आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि क्या हम अपने प्लांट्स में सिगरेट का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, और क्या क्या असर होता है सिगरेट का प्लांट में इस्तेमाल करने से। पिछले हफ्ते मुझे 150 से भी ज़्यादा पर्सनल मैसेजेस आए हैं यूट्यूब पे, और 40 के करीब मुझे ईमेल्स आए हैं कि आप सिगरेट के बारे में बताइए कि सिगरेट का प्लांट में हम पेस्टिसाइड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो आप लोगों की हाई डिमांड देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि सिगरेट के अंदर होता क्या है जो उसे इतना ज़्यादा डेंजरस बनाता है। आपने सबने सुना होगा कि सिगरेट कितना ज़्यादा सेहत के लिए हानिकारक है। तो सिगरेट के अंदर जो टबैको डलता है, टबैको के अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसको निकोटीन बोला जाता है। तो निकोटीन जो सब्सटेंस है ये काफ़ी ज़्यादा एडिक्टिव सब्सटेंस होता है। इसके अलावा ये आपको कैंसर जैसी बीमारियाँ और लंग्स की बीमारियाँ, इसके अलावा काफ़ी सारी और भी प्रॉब्लम्स ये आपके लिए क्रिएट कर सकता है अगर आप रेगुलर इसका यूज़ करें तो। इसके अलावा दोस्तों सिगरेट का ज़्यादा स्मोक करने से हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ती है जो कि एक टॉक्सिक गैस मानी जाती है। 2006 से पहले दोस्तों टबैको का इस्तेमाल प्लांट्स के ऊपर किया जाता था पेस्टिसाइड की तरह, लेकिन 2006 के बाद कुछ ऐसी स्टडीज सामने आई हैं जिनसे हमें ये मालूम पड़ा है कि जिन प्लांट्स के ऊपर हमने टबैको का स्प्रे किया उनके अंदर निकोटीन के ट्रेस एलिमेंट्स भी पाए जाने लग गए, और ये निकोटीन के एलिमेंट्स जो हैं हमें कैंसर जैसी बीमारियाँ भी दे सकते हैं। इन सभी स्टडीज़ के सामने आने के बाद 2006 के बाद से यूरोप और अमेरिका में टबैको का इस्तेमाल बंद हो चुका है प्लांट्स के ऊपर पेस्टिसाइड की तरह से। अगर आप लोग भी घर में पेस्टिसाइड की तरह सिगरेट का, बची हुई सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको आज से ही बंद कर देना चाहिए पेस्टिसाइड की तरह सिगरेट का इस्तेमाल करना। तो दोस्तों आपके दिमाग में अब सवाल उठ रहा होगा कि अगर हम सिगरेट का इस्तेमाल पेस्टिसाइड की तरह ना करें तो किस चीज़ का करें। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा पेस्टिसाइड बताऊंगा अपने प्लांट्स के लिए जो कि नेचर फ्रेंडली तो होगा ही होगा, जो आप घर में मुफ्त में बना सकते हैं, और वो इससे हज़ार गुना ज़्यादा इफेक्टिव होता है और बहुत आसानी से बन जाता है। इस पेस्टिसाइड को बनाने के लिए दोस्तों आपको चाहिए नीम की पत्तियाँ। नीम का पेड़ जो है आमतौर पर इंडिया में अगर आप रहते हैं तो आपको आसानी से दिख जाएगा, हर जगह लगा हुआ होता है ये पार्क में, सड़क के किनारे। अगर आपके पास घर में इसका पौधा है तो आप वहाँ से पत्तियाँ तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर का पौधा छोटा है तो आप इसे अपने घर के पास वाले पार्क से या किसी सड़क के किनारे अगर आपको दिख जाए तो वहाँ से आप इसकी कुछ टहनियाँ तोड़ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने 2 लीटर के करीब पानी लिया है। 2 लीटर पानी में मैंने अंदाज़े से कुछ पत्ते नीम के, कुछ टहनियाँ नीम की मैंने उसमें डाल दी हैं, और इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए उबालेंगे। उबालने के बाद जब पानी एक बार आपका उबल जाए उसके बाद आप उसको जो है ढक करके ओवरनाइट के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन दोस्तों आप इस पानी को छान लीजिए, और छानने के बाद आप इसे किसी स्प्रे बॉटल में डाल सकते हैं, और स्प्रे बॉटल में डालने के बाद आप इसे अपने सभी प्लांट्स में छिड़क दीजिए जिस भी प्लांट के ऊपर आपको पेस्ट की या कीड़े मकोड़ों की प्रॉब्लम नज़र आ रही हो। इस पेस्टिसाइड का दोस्तों आप अपने सभी तरह के प्लांट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो फूलों के पौधे हों या फलों के पौधे हों या सब्जियों के पौधे हों, सभी प्लांट्स में आप इसका इस्तेमाल बिना किसी चिंता के कर सकते हैं। ये मेथड पेस्टिसाइड डालने का बिल्कुल सेफ है और बहुत ही एनवायरनमेंटल फ्रेंडली मेथड है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है। कुछ पौधों पे ऐसा होता है कि कीड़े जाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो आप उन पौधों पे जो है 3 से 4 दिन लगातार इस स्प्रे का इस्तेमाल कीजिए। इस पेस्टिसाइड को दोस्तों आप हमेशा फ्रेश बनाइए। जब भी आपको अपने प्लांट्स में डालना हो तो आप नीम की पत्तियाँ लाइए और उसको उबाल करके आप डाल दीजिए, तो आप इसे स्टोर करके घर में मत रखिए। इसके अलावा दोस्तों आप गर्मियों में इस पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हमेशा शाम के टाइम पे कीजिए, सुबह के टाइम धूप में आप इसका इस्तेमाल मत कीजिए। दोस्तों हमेशा घर में उगने वाली सब्जियों पर आप ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कीजिए, और निकोटीन जैसी, सिगरेट जैसी कैंसरस चीज़ों से बचिए। जितना हो सके आप घर में ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स का और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कीजिए, और आपके पौधे हमेशा खुश रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।